हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ओप्पो मोबाइल के ऑटोमेटिक अप डाउन वॉल्यूम प्रॉब्लम को कैसे 100% फिक्स करें। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, तो हम सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए सिस्टम सेटिंग नाम से या फिर एडिशनल सेटिंग नाम से। आपको सिस्टम सेटिंग या एडिशनल सेटिंग नाम से ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर आ जाना है सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा बैकअप एंड रीसेट का, इस पर क्लिक करना है। फिर से आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा रीसेट फ़ोन या रीसेट का, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रीसेट ऑल सेटिंग्स या रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली, इस पर आपको क्लिक करना है। मैं आपको इसके बारे में बता दूं, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल की सेटिंग जो है वो रीसेट हो जाएगी, नेटवर्क सेटिंग भी रीसेट हो जाएगी। आपका कोई भी फ़ोटो, ऑडियो, वीडियो, कोई भी डॉक्यूमेंट या डेटा डिलीट नहीं होगा। आपको इस पर क्लिक करना है, पासवर्ड एंटर करना है अपना, ओके कर देना है, 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और दोस्तों, आप चाहें तो सेटिंग्स में जाने के बाद सबसे ऊपर सर्च बॉक्स में क्लिक करके रीसेट लिखेंगे तो यहाँ पर रीसेट ऑल सेटिंग्स या रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली वाला ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके भी आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना है, रीबूट या रिस्टार्ट भी आप कर सकते हैं, फिर आपकी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। या फिर एक और तरीका है, जो आपका ईयरफोन लगाने वाला है, जहाँ पर ईयरफोन को आप लगाते हैं, उसे एक बार अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना किसी कपड़े से, तो भी ये वाली प्रॉब्लम सही हो सकती है अगर ईयरफोन से रहेगी तो। और इस तरीके से आप 100% सही कर सकते हैं। तो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।